जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम ही है महापंचायत में की गई घोषणा के अनुसार अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं हैं अब अनुबंध के अधीन रहेंगी, यानी कि प्रत्येक अतिथि शिक्षक का जो अनुबंध है भाई अब साल भर चलेगा। 20 साल में किसी भी अतिथि शिक्षक को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक अनुबंध को लेकर विभाग से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। उसी क्रम में DPI ने शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं, जो अतिथि शिक्षकों की चिंता बढ़ाने वाले हैं। उच्च पद प्रभार को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें यदि हम देखें तो लगभग 12,000 माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट किया जाएगा। वहीं लगभग 18,000 प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रमोट किए जा सकते हैं। हालांकि इसकी अभी काउंसलिंग होगी और सितंबर अंत तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, लेकिन चूंकि अतिथि शिक्षकों के लिए अनुबंध का आदेश जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे में यदि सितंबर या अक्टूबर कभी भी शिक्षक उच्च पद प्रभार के माध्यम से विभिन्न पदों पर पदस्थ किए जाते हैं तो संबंधित अतिथि शिक्षकों की सेवाएँ पृथक की जा सकती हैं, यानी कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें सेवाओं से हटाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक उनका अनुबंध आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी को लेकर अतिथि शिक्षक साथी अब लगातार चिंतित दिख रहे हैं। जितने जल्दी हो सके अतिथि शिक्षकों के अनुबंध का जो आदेश है वह जारी होना चाहिए, क्योंकि अनुबंध का आदेश यदि जारी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उच्च पद परिवार के माध्यम से संबंधित संस्थाओं पर जो शिक्षक साथी पहुंचेंगे उनके पहुंचने से अतिथि शिक्षक साथियों को सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा और वह अनुबंध के तहत साल भर संबंधित शाला पर कार्य करते रहेंगे। हाँ, लेकिन इतना तय, साल भर कार्य करने के बाद उन्हें सेवा से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि जो अनुबंध है उसकी जो शर्त है वह केवल 1 साल की ही रहने वाली है, यानी कि साल भर के अंदर आपको पृथक नहीं किया जाएगा, आप सत्रांत तक कार्य करते रहेंगे। उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के जैसे ही निर्देश जारी हुए अतिथि शिक्षकों के लगातार हमारे पास इस चीज को लेकर प्रश्न आ रहे थे। साथ ही साथ शिक्षक साथी भी यहाँ पर जो हमने पिछला वीडियो अतिथि शिक्षकों के लिए अपलोड किया था तो उसमें शिक्षकों का कहना था कि सर क्या आप नहीं चाहते शिक्षकों का उच्च पद प्रभार मिले, तो साथी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उच्च पद प्रभार के हकदार हैं और वो आपको मिलना ही चाहिए, लेकिन आपके उच्च पद प्रभार मिलने से भी अतिथि शिक्षकों को यदि अनुबंध का आदेश जारी हो जाता है तो उन्हें पृथक नहीं किया जाएगा और आपके साथ साथ वह भी विद्यालय पर कार्य कर सकेंगे सत्रांत तक। तो ऐसी स्थिति में इसलिए जो अनुबंध है वह बहुत जल्द जारी होना अतिथि शिक्षकों के हित में आवश्यक है। हमें यहाँ समस्त विभागीय अधिकारियों से और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अतिथि शिक्षकों का जो अनुबंध आदेश है वह जारी किया जाए, ताकि अतिथि शिक्षक अपनी सेवाओं के प्रति आश्वस्त हो सके। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों तक इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी हमारे चैनल पर रखते रहते हैं। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।